थोड़ा भटक के कुछ कहते हैं ना कि अपना अपना लीडर पैदा करना चाहिए, तो पाकिस्तान जाए वहां लीडर पैदा करें अपना। हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम एकता चलेगी या हमारा लीडर हिंदू भाई मुसलमान के नाम पे जीत कराए, कौन कौन ने गोंडी में विकास कर दिया था या उनकी पार्टी ने विकास कर दिया था, एक काम तुम लोगों बना दो, तुमको तो बोल रहा हूं मैं, तो तुम मुसलमान के नाम पे जीत किया हो तो बहुत अच्छा, और दूसरे मुसलमान के नाम पे वोट मांगे तो पाकिस्तान धर्म के नाम पे वोट मांगते हो, तुमने कभी विकास के नाम पे वोट नहीं मांगा, तुमको बोलने का हक जब ये था, हिंदू मुसलमान की बात नहीं करना, हिंदू सेकुलर मुल्क की तुम जब बात जब करते, जब तुम विकास के नाम पे वोट मांगते, तुमने हमेशा हिंदू मुसलमान करके वोट मांगा है, तो तुम जीत के आए हो, तुमने कभी शहर में विकास नहीं किया, उन्होंने भी यही किया, हिंदू मुसलमान किया, उनका एक एमएलए चुन के आ गया, मतलब तुम अगर हिंदू मुसलमान के नाम पे तुम वोट मांगो तो तुम हिंदुस्तान में रहोगे, अगर यही तो यही वोट अगर कोई दूसरा मांगे हिंदू मुसलमान के नाम पे तो वो पाकिस्तान चले जाओगे, ये कौन सी बात हुई। जिस तरह से अबू आसिम आजमी साहब का जो एक बयान आया है कि जिनको मुसलमान लीडर चाहिए वो पाकिस्तान चले जाए, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? उसके ऊपर मेरा कुछ नहीं कहना है, मेरा एक मेन मामला ये है, और जो मैंने उनका स्टेटमेंट सुना, इतने आसिम भाई इतने समझदार और इतने बड़े लीडर होने के बाद ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो हमारे कौम के नौजवानों को क्या सबक गुलाम बनाना चाहते हैं क्या? उन्होंने ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया कि मुसलमानों का लीडर सिर्फ हिंदू ही रहेगा? वो हमारे कौम के नौजवानों को क्या संदेश दे रहे हैं? उनको गुलाम बना रहे हैं क्या? ये मुल्क जमहूरी मुल्क है, यहाँ पे हिंदू राष्ट्र नहीं है, और संविधान में तुम मुझे बताओ कि ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि लीडर सिर्फ हिंदू ही रहेगा या सिर्फ मुसलमान रहेगा? ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, लीडर हिंदू भी रह सकता है, मुसलमान भी रह सकता है, सिख भी रह सकता है, ईसाई भी रह सकता है, इंसान अच्छा होना चाहिए, उसको मुल्क के बारे में सोचना चाहिए, लीडर हम उसको बना सकते हैं। और रही बात हिंदू मुसलमान की, हिंदू मुसलमान के नाम पे तो वोट नहीं मांगना चाहिए चाहे वो कोई भी पार्टी हो, लेकिन मेरा सवाल अबू आसिम आजमी साहब की और उनकी पार्टी से भी ये है कि आसिम भाई ने 20 साल में भिवंडी में कौन सा विकास किया था? एक काम तुम मेरे को उनका दिखा दो जो उन्होंने अपना काम दिखा के इससे पहले इलेक्शन में एक एमएलए की सीट जीत के लाए, उन्होंने भी यही किया, हिंदू मुसलमान किया, उनका एक एमएलए चुन के आ गया, मतलब तुम अगर हिंदू मुसलमान के नाम पे तुम वोट मांगो तो तुम हिंदुस्तान में रहोगे, अगर यही तो यही वोट अगर कोई दूसरा मांगे हिंदू मुसलमान के नाम पे तो वो पाकिस्तान चले जाओगे, ये कौन सी बात हुई? 20 साल में आसिम भाई का तुम्हें को एक काम दिखा दो शहर में विकास का, जो आसिम भाई ने वो दिखा के वोट मांग के अपना एक एमएलए चुन के लाया, उन्होंने भी हिंदू मुस्लिम करके चुन के लाया एमएलए अपना, तो ये गलत बात है, इनका मामला ये है कि खाली इनको फायदा मिलना चाहिए, दूसरे को नहीं मिलना चाहिए। तो जैसे कि आरिफ भाई देखा है तो यूपी में चुनाव है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे कि आसिम भाई का ये जो बयान था वो चुनाव के वजह से दिया गया था? आसिम भाई का जो ये बयान था वो क्यों दिए थे, क्या करने दिए, ये उनको पता है, लेकिन मेरे हिसाब से और मेरे नहीं पूरे हिंदुस्तान के हर मुसलमान के हिसाब से उनका बयान एकदम गलत था कि ये हिंदुस्तान में मुसलमानों को लीडर हिंदू ही रहेगा, मेरा इसमें ऑब्जेक्शन है, इन्होंने ऐसा क्यों कहा लिखा हुआ है वो मुझे बता दे ऐसा। और जैसे कि उन्होंने ये भी कहा कि जिनको मुस्लिम लीडर चाहिए वो मतलब पाकिस्तान चले जाए, वही तो मेरा बोलना है ना कि तुम मुसलमान के नाम पे वोट मांगो तो तुम हिंदुस्तान में रहोगे और मलाई खाओगे, और दूसरा कोई हिंदुस्तान मुसलमान के नाम पे वोट मांगे तो वो पाकिस्तान चले जाओगे, ये दोगली पॉलिसी क्यों है? या तो तुम भी विकास के नाम पे वोट मांगो तब तुम दूसरे को बोलो, तुम भी धर्म के नाम पे वोट मांगते हो, तुमने कभी विकास के नाम पे वोट नहीं मांगा, तुमको बोलने का हक जब ये था, हिंदू मुसलमान की बात नहीं करना, हिंदू सेकुलर मुल्क की तुम जब बात जब करते, जब तुम विकास के नाम पे वोट मांगते, तुमने हमेशा हिंदू मुसलमान करके वोट मांगा है, तो तुम जीत के आए हो, तुमने कभी शहर में विकास नहीं किया। तो आरिफ भाई सोशल मीडिया पे भी एक घमासान मचा हुआ, लेकिन आसिम भाई या रईस भाई की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। घमासान मचेगा ना, जब तुम गलत स्टेटमेंट दोगे तो घमासान ही मचेगा, तुम अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए कुछ भी इशू लाओगे, मुसलमानों को बदनाम करोगे, मुसलमानों को कमजोर करोगे, मुसलमानों की नस्लों को तुम ये चीज उनके दिमाग में डालोगे कि तुम्हारा लीडर सिर्फ हिंदू ही रह सकता है, जबकि मुल्क की आजादी के बाद संविधान बना, संविधान में कहीं नहीं लिखा गया ये चीज कि मुसलमानों का लीडर हिंदू ही रहेगा। रईस भाई भी मुसलमान के नाम पे जीत कर आए, कौन कौन ने गोंडी में विकास कर दिया था या उनकी पार्टी ने विकास कर दिया था, एक काम तुम लोगों को बना दो, तुमको तो बोल रहा हूं मैं, तो तुम मुसलमान के नाम पे जीत किया हो तो बहुत अच्छा, और दूसरे मुसलमान के नाम पे वोट मांगे तो पाकिस्तान चले जाओगे, ये तो दोगली पॉलिसी है समाजवादी पार्टी की। आने वाले चुनाव में फिर समाजवादी की यहाँ पे रणनीति क्या होगी, आपको क्या लग रहा है इसके बारे में? उनकी तो 20 साल से ये रणनीति रही है हिंदू मुसलमान, कभी विकास की बात नहीं किया उन्होंने, और आगे भी वो करेंगे, और आवाम उनको जवाब देगी उसी चीज का जो उन्होंने कहा है, जब मुसलमानों का लीडर जब मुसलमानों का लीडर हिंदू ही रहना चाहिए तो फिर हम मुसलमान एमएलए क्यों चुन के लाए? फिर आसिम भाई के बोलने के हिसाब से, हमारे हिसाब से जो अच्छा लीडर है, काम करे, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो हमारा लीडर है।